ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे ऊपर कुछ लॉस्ट गैंग के बंदों ने बहुत ही बुरी तरह अटैक कर दिया था, क्योंकि काफी टाइम पहले ना मैंने उनकी मैनेजर को मार दिया था उनके ऑफिस में घुस के। लेकिन यार वो लोग उस चीज का बदला मुझसे अब क्यों ले रहे हैं, ये चीज मुझे नहीं मालूम। अब उसके बाद मुझे बैनी की कॉल आई और आप सभी लोग को याद होगा कि बैनी जो है हमारा शोरूम अकेले संभाल रहा है। तो बैनी ने मुझे ये बोला कि ना एक बहुत ही अमीर बंदे ने एक बहुत ही महंगी कार की डील साइन करी है, मतलब कि $15 मिलियन की कार लेना चाहता है और वो जो कार है ना उसका एक्चुअल प्राइस है $10 मिलियन। लेकिन यार वो उसके लिए $15 मिलियन इसलिए दे रहा है क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन कार है, तो इतनी जल्दी मिलती ही नहीं है, तो इसलिए ना मैं वो जो कार उसे ढूंढ के लाकर देनी है। अब उस कार का जो नाम है ना वो तो मुझे बैनी ने बता दिया, उस कार का नाम है कॉनी से अगेरा। अब यार देखो ये जो कार है ना मैंने भी आज तक ड्राइव नहीं करी, ना ही मैंने लॉस सैंटोस में देखी है, और ये जो कार है ना पूरे वर्ल्ड में 125 मॉडल है, लेकिन यार अभी लॉस सैंटोस में पता नहीं कहां पर है, कितने हैं, किस किस के पास है। खैर छोड़ो यार, जो भी है अभी ना फटाफट से मैंने बैनी को बोल दिया कि भैया देख तू कार ढूंढ के रख और जहां पर भी कार होगी मुझे बता दियो, अगर खरीद के लानी होगी तो मैं खरीद के ले आऊंगा वरना चोरी करके लेंगे। अब यार एक तो ये डॉगी ने मैं तब से देख रहा हूं यहां पर भौंके जा रहा है और इस बिल्ली को ये परेशान कर रहा है, इधर आ तेरी ऐसी तैसी, मैं इसे मारूंगा नहीं, बस मैं इसे यहां से भगा रहा हूं। तो फटाफट बेटा निकल ले यहां से वरना फिर वहीं आके भी डंडा मारूंगा, चले जहां से। ओ भाई साहब ये तो और ज्यादा गुस्सा हो गया। अरे नहीं नहीं इतना गुस्सा, अबे इतना गुस्सा सही नहीं है, ये तो भाग के मेरे को काटने आ रहा है। एक सेकंड उतरी भाई, मैं नीचे ही कूद गया इसके, अबे तेरी ऐसी तैसी, मेरे पीछे पड़ गया भाई ये तो। अबे यार अभी इसको मारना ही पड़ेगा, अबे तेरी ऐसी तैसी, काटने की कोशिश करेगा डंडा ही निकाल के मारूंगा, रुक जा भाई, मैं इसको मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर ये मेरे काट लेगा ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, काम करता हूं, रुक जाओ डंडा निकालना पड़ेगा। तो ओके गाइस अभी पता है मुझे क्या लग रहा है कि वो जो डॉग है ना यहां पर अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि अगर वो अंदर आ जाता ना तो सूंघते सूंघते मेरे तक जरूर पहुंच जाता और अभी तक तो मुझे वो काट भी लेता। तो एक बार ना मैं बाहर देख कर आता हूं, वो देखो भाई साहब बाहर वाले गेट पर लगा पड़ा है अपना, उसको लग रहा है ये वाला गेट जो है ना लॉक है। वैसे अगर मैं इधर आऊंगा और उसने हल्का सा भी धक्का दे दिया ना डोर पे तो वो अंदर ही आके मुझे काट लेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। अभी ना ऊपर लेस्टर वगैरह भी है तो उनके आगे माइकल की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास। वैसे यार लेस्टर यहीं पर तो था, कहां चला गया, एक सेकंड यार, उसको बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो आपको पता होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बेस पे गए थे जो कि लेस्टर के पार्टनर का था। तो यहां पर लेस्टर शायद से बाहर बालकनी में बैठा हुआ है। तो हां गाइस पहले मैं आपको बता देता हूं, तो वो जो बेस है ना लेस्टर के पार्टनर का था और यहां पर ना इसके बेस में काफी सारे वेपन्स थे, काफी सारी कार्स थी और बहुत सारा गोल्ड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका लैपटॉप भी वहीं पर था। तो वो जो जगह है ना पुलिस वालों ने जब्त कर ली, और अगर इसका लैपटॉप पुलिस वालों के हाथ लग जाता है तो भाई ये तो फंसे गए साथ के साथ, लेस्टर माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर चारों के चारों फंस जाएंगे। तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो अभी ना मैं इसको पूरा का पूरा बता देता हूं कि वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी और नॉर्मल ये जो काम है नहीं करा जा सकता, इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। तो अभी लेस्टर से बात करते हैं और फटाफट हम लोग यहां से निकल लेते हैं। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से बात होगी और जो भी इन्फॉर्मेशन थी ना वो मैंने सारी की सारी लेस्टर को बता दी है। तो लेस्टर कह रहा है चलो मैं देखता हूं, कोई ना कोई प्लान तो वहां पर बनाना पड़ेगा, मतलब कि अगर हम नॉर्मली वहां पर जाते हैं तो सीधी सी बात है हम लोग वहां पर पुलिस वालों से पिट कराएंगे, जो चीज यार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। अभी फिलहाल ना यहां पर मैं पीछे वाले गेट से एग्जिट हुआ हूं, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता सामने वाले गेट से मैं निकलूं और वो जो डॉग है मेरे पीछे बढ़कर मेरे को काट ले। तो अभी ना जल्दी चलकर हम लोग यहां पर गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से निकल लेते हैं। ओ भाई साहब इसकी ऐसी की तैसी, ये तो यहीं पर खड़ा हुआ है भाई साहब, ये डॉग सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और भाई यहां पर ना मेरे को लग रहा है मैंने गलती से ना इसके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी है, भाई ये मेरे को काट के मानेगा, भगा भगा भगा, अब जाकर ये मेरे से डरा है। अब यार मेरे पे गाड़ी आ गई ना बेटा, अब तो भगना ही पड़ेगा भाई साहब, सच्ची में इस डॉग ने यार जीना ही आराम कर दिया और मेरी गाड़ी में अच्छा हुआ कि ज्यादा स्क्रैच नहीं आया, नीचे की तरफ में थोड़ी सी मिट्टी लग गई और जो चीज मैं नहीं चाहता था कि डेंट ना पड़े वही हुआ। खैर छोड़ो गाड़ी अपनी रिपेयर करवा लेंगे, अभी ना फटाफट से निकल लेते हैं हम लोग कोनी से अगेरा गाड़ी को ढूंढने, मतलब कि वो जो गाड़ी है ना बैनी कह रहा है कि 2-3 जगह उसने पता कर लिया कहां पर मिल सकती है कहां नहीं मिल सकती, तो बस ना मैं वहां पर जाकर उनसे बात करनी है कि कौन कितने की बेच रहा है। अब देखो यार पैसा अपने पास बहुत आने वाला है, $500 मिलियन के मतलब डायमंड्स भी पड़े हुए हैं लेस्टर के पास, वो भी पैसा आएगा, और वैसे भी $15 मिलियन की जो कैश पेमेंट है वो उस बॉस ने यानी कि उस बंदे ने जिसे कार चाहिए उसने मेरे को करी दी थी। तो अपने पास अभी टोटल $15 मिलियन पड़े हैं, तो भी जल्दी से चलते हैं हम लोग वाली कार लेने के लिए। तो गाइस ये डेजर्ट वाले एरिया में धूप की जगह जब भी क्लाउड्स वाला मौसम होता है ना सच्ची में यार एकदम नजारा ही बढ़िया सा रहता है देखने वाला। फिलहाल यहां पर आप लोग देख पा रहे हो अभी बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी फरारी भगाता हुआ जा रहा था, लेकिन ये सामने घटिया सा ट्रक आ गया तो मुझे अपनी स्पीड बहुत ज्यादा कम करनी पड़ गई। तो वैसे ना मुझे लग रहा है कि मेरे को अपनी फरारी से लॉस सैंटोस पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम लगने नहीं वाला, लेकिन यार अगर बात करें अपनी लैम्बोर्गिनी सियान की तो फिर तो भाई यार हाईवे पर उससे ज्यादा बढ़िया गाड़ी मेरे को कोई लगती ही नहीं है। लेकिन यार सच्ची में फरारी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके कंट्रोल भी अच्छे हैं और साथ में जो गाड़ी है ना थोड़ी सी छोटी है तो पतली पतली जगह से भी आराम से ये निकल जाती है। तो कहीं से डेजर्ट साइड पर ना इतना ज्यादा बढ़िया क्लाउड्स वाला मौसम हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है, लेकिन यार लॉस सैंटोस में तो इतनी ज्यादा तेज धूप निकली है पूछो मत। फिलहाल छोड़ो जो भी है, यहाँ पर हमारी जो फरारी है ना यार सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया चली, और सबसे पहले मेरे को जाना था बैनी के पास शोरूम में, उससे पूछना था कि जो कोनी से अगेरा गाड़ी है कहाँ कहाँ पर मिल
सकती है, क्या क्या चांसेस है। तो उसने ना मुझे एक बंदे का एड्रेस दिया है और वो जो बंदा ना बहुत ज्यादा अमीर है, तो वहां पर जाओ उस बंदे से बात करो, वो बेच भी रहा है। तो अगर देखो भाई सीधी सी बात है, वो बंदा अगर मेरे को $10 मिलियन की बेचेगा तो मैं खरीद लूंगा, अगर $10 मिलियन से ज्यादा की बेचेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। क्योंकि यार देखो अगर हम लोग गाड़ी $10 मिलियन की खरीदेंगे तब जाकर हमें $5 मिलियन का प्रॉफिट होगा। तो ठीक है अभी फटाफट से ना उसके घर पर चलते हैं। उसके घर पर जाने के लिए ना मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है। अभी मेरी गाड़ी में बहुत खतरनाक स्क्रैच आता, सही टाइम पर मैंने ब्रेक मार दी और यहाँ पर रॉन्ग वे जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी चलते हैं हम लोग उसके घर पे। तो गाइस अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स अभी मैं उस बंदे के घर पर पहुंचने वाला हूँ जो कि कौन इसे अगेरा गाड़ी बेच रहा है। और यार सच्ची में यहाँ पर अपनी फरारी को पतले रोडों पर भी चलाने में ना बहुत ज्यादा ही मजा आता है। और गाइस यार थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं वरना इतनी बुरी तरह ठुकेगी पूछो मत। अब बस ना मुझे थोड़ा सा आगे जाकर लेफ्ट की तरफ में पूरा यू टर्न लेना है। और इस बंदे का जो घर है ना यार काफी ज्यादा अमीर बंदों के इलाके में है, मतलब यार ये बंदा भी फिर बहुत ज्यादा अमीर ही होगा। और सीधी सी बात है अमीर तो होगा ही क्योंकि $10 मिलियन की गाड़ी जो खरीद रखी है। अभी फिलहाल यहाँ पर तो मैं पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर यार देखो दो दो घर है। मुझे जो लोकेशन मिली थी वो यही मिली थी। अभी मुझे नहीं मालूम मुझे कौन से घर के अंदर जाना चाहिए। काम करता है सामने वाले गेट में चलते हैं। यहाँ के बॉडीगार्ड मुझे कुछ नहीं कहने वाले, सब लोग मुझे जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी गाड़ी जो है मैं यहीं पर खड़ी कर देता हूँ आराम से। अब यार मैं चाहूँ तो इनकी गाड़ी ना चुरा कर भी ले जाऊँ, लेकिन यार वो चीज़ मैं नहीं चाहता क्योंकि जिस बंदे को बेचूंगा बाद में यार वो बंदा मुसीबत में फंस सकता है। तो इससे क्या है अपना शोरूम की जो है गाड़ियाँ बिकनी बंद हो जाएगी। तो कहे सर अभी यहाँ पर गार्डनर वगैरह तो लगे पड़े, यहाँ पर घर में बंदे हैं। सामने वाले घर पर सिक्योरिटी गार्ड भी इन्होंने रखे हुए हैं और वो देखो भाई सामने की तरफ में खड़ी हुई है। ये जो येलो वाली कार आप देख पा रहे हो ना यही वो कार है। और गाइस यार यहां पर मेरे को देख के आंटी जी डर क्यों गई, एक सेकंड रुक जाओ भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, लग रहा है ये माइकल को पहचान गया। मतलब देखो मैं जैसे आकर खड़ा हुआ हूं ना ये यहां पर यहां से भाग गई है। लेकिन ये जो बंदे हैं ना इन्होंने शायद से मेरे को नहीं देखा, तो इनसे बात कर लेते हैं, शायद से इसी की ये गाड़ी है। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर इस बंदे से इस कार को लेकर बात हो गई है और यार ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी है ना है तो $10 मिलियन की, लेकिन मैं $13 मिलियन की बेचूंगा क्योंकि ये एक लिमिटेड एडिशन कार है, इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती। तो देखो यार पहली चीज तो इसकी कार की जो लुक है ना है तो बहुत ज्यादा बढ़िया, कार की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन यार कार पे ना बहुत ज्यादा डस्ट और डेंट लगे हुए हैं, मतलब कि यार कार को दोबारा पेंट करवाना पड़ सकता है। और गाइस यार कार का जो इंजन साउंड है ना वो भी मेरे को कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। एक बार ना मैंने इसको बोला थोड़ी सी टेस्ट ड्राइविंग के लिए तो यहां पर मैं थोड़ा सा ही आगे ले जा सकता हूं, इसने कहा कि मेरे घर से बाहर मत ले जाना, इतनी दूर से टेस्ट ड्राइव करके इसे वापस लाकर खड़ा कर दो। तो यहां पर यार देखो ठीक तो लग रही है कार यहां पर, लेकिन ये $13 मिलियन बोल रहा है और मैंने पहले ही बोला था कि अगर गाड़ी $10 मिलियन से ज्यादा की मिलेगी तो मैं नहीं लूंगा, मतलब यार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद सिर्फ उसे $2 मिलियन का फायदा होगा। तो अभी मैं डील जो है इससे कैंसिल कर लेता हूं। वैसे यार ये जो बंदा है ना बहुत ज्यादा अमीर है, इसने काफी बड़ी एक हमर ले रखी है, वो भी पूरी पूरी क्रोम करवा रखी है। तो यहां पर भी मैं इससे गाड़ी नहीं लेने वाला अभी ना, मतलब मैंने इसे कैंसिल नहीं करा है, मतलब कि अगर देखो अगर हमें और कहीं पर गाड़ी नहीं मिलेगी तब मैं इससे वाली कार आकर ले लूंगा, लेकिन अगर मुझे और कहीं पर इससे भी बढ़िया डील मिलती है तो मैं इसकी कार नहीं खरीदने वाला। तो भी फटाफट से मैंने जो अपनी फरारी है ना वो यहां से बाहर निकाल ली। अब यहां पर देखो ना डेंट इस पर ऑलरेडी लग चुके हैं, तो वैसे भी रिपेयर करवानी है इसलिए मैं अभी थोड़ा बहुत ठोक दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां पर अभी ना हम लोग जल्दी से चलते हैं, एक दूसरी जगह और है जहां पर ना गाइस अबेंडेंट कार मिलती है, तो वहां पर चलकर देखते हैं, क्या पता वहां पर मेरे को आनी से अगेरा मिल जाए। तो भी फटाफट से उस जगह पर चल लेते हैं। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी फरारी भगाते भगाते उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर क्रैश्ड अबेंडेंट कार्स मिलती है। और इस जगह के बारे में मुझे तो मालूम नहीं था लेकिन बैनी ने बताया, तो एक बार चलकर देखते हैं क्या यहां पर कौन से अगेरा मिलती है या फिर नहीं मिलती। अगर देखो मिल गई तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली तो ना फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो $13 मिलियन की बेच रहा था ना जो बंदा, उसी के लिए जाकर देंगे। तो अभी फिलहाल मेरे को किस जगह पर जाना है, मेरे को ना आगे वाले कट से अंदर जाना है, मैं एकदम जगह भूल गया था, लेकिन अभी जो बैनी ने जगह बताई है वहां पर मैं पहुंच चुका हूं। एक काम करते हैं फरारी ना बीच रोड पे खड़ी करना सही नहीं रहेगा। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने अपनी फरारी को साइड में एकदम बहुत ही ज्यादा आराम से पार्क कर दिया है, और यहां पर जो मेरा $15 मिलियन का कैश का ब्रीफ केस था वो भी मैंने ले लिया है। अभी ना जल्दी से हम लोग इस मार्केट के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहां पर इनके पास सुपर कार्स है और कौन इसे अगेरा है या फिर नहीं है। बाकी तो यहां पर लेफ्ट में काफी ज्यादा बढ़िया स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई है और सब गाड़ियों के ना बोनट वोनट पूरे उड़े पड़े और धुआं निकल रहा है, क्योंकि यहां पर ना सारी की सारी वही कार्स हमें देखने को मिलने वाले जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जो बहुत ही बुरी तरह क्रैश हो जाती है। और यहां पर इनके पास एम्बुलेंस तक है भाई, एम्बुलेंस ऐसे लग रहा है भी फूटने वाली है, लेकिन वैसे फूटेगी नहीं। बाकी यार ये देखो ये शायद से लैम्बोर्गिनी ह्यूरकन है, और पीछे की तरफ में भी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया रेस कार खड़ी हुई है। और थोड़ा सा ना और आगे चलकर यहां पर देखते हैं, वो देखो भाई सामने की तरफ में ये रही जेनोट्रॉन, मतलब यार इनके पास सुपर कार्स तो बहुत सारी है, और राइट की तरफ में ना एक बहुत ही
बड़ा मॉन्स्टर ट्रक खड़ा हुआ है और यहाँ पर इसका भी बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ होगा। और यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेस स्पोर्ट्स कार है। और उसके बाद यहाँ पर ये कौन सी कार है, इसका मैं नाम भूल गया, लेकिन देखी देखी सी लग रही है। लेकिन गाइस यार ये ग्रीन वाली कार की लुक तो देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया है। सेम टू सेम ना यही कार मैंने लिबर्टी सिटी में देखी थी और मैं बाय करने की सोच रहा था, बट यार मैंने बाय ना नहीं करी। मतलब कि वो लोग यार ये मेरे को $1 million के दे रहे थे, इसलिए बाकी यार मैं वहाँ से $2.5 lakh की काफ़ी सारी कार्स ले आया था। और इस तरफ में भी एक कार है और इसका तो मेरे को लग भी नहीं रहा कि ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक गेट टूटा है, बाकी कार की जो कंडीशन है वो पूरी ओके है। और सामने की तरफ में ये देखो एल ए फरारी जिससे मैं भी आया हूँ, सेम टू सेम वही वाला मॉडल है लेकिन ये ब्लू कलर की है। और यहाँ पर पता नहीं ये लोग कितने की देंगे, वरना मैं ये वाली भी खरीद लूँगा। और यहाँ पर सामने की तरफ में गैराज है, इसके अंदर भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। तो अभी ना फटाफट मैं इससे बात करता हूँ कि इनके पास कौन इसे अगेरक है या फिर नहीं, अगर होगी तो खरीद लेंगे, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं, उसी के पास चलेंगे $13 million के लेने। तो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस बंदे से बात हो गई और ये कह रहा है कि ना यहाँ पर हमारी सारी गाड़ियाँ नहीं होती, मतलब कि जो बाकी कार है ना वो एक जगह और है वहाँ पर होती है, लेकिन तुम्हारी कॉसिंग अगेरा जो है हमारे पास यहीं पर खड़ी हुई है। तो भाई यार ये देखो यही है कौन इसे अगेरा। और यहाँ पर इस कार की जो लुक है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, पता नहीं किस बंदे की होगी, और जिसकी भी है ना भाई उसका एक्सीडेंट बहुत ही बुरे वाला हुआ होगा। और यहाँ पर गाड़ी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। एक बार ही ना बस मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये गाड़ी आगे बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती। फिलहाल स्टार्ट तो हो गई है गाड़ी, लेकिन यार इसके टायर देखो कितनी धीरे धीरे घूम रहे हैं। भाई साहब ये गाड़ी तो मेरे को लग रहा है इसका जो मतलब टायर है ना पीछे वाले पूरे जाम हो गया है। और इंजन से भी ना कोई साउंड नहीं आ रहा गाड़ी में रेस देने का या फिर और कुछ, और पीछे की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ निकल रही है। खैर छोड़ो, अभी ना अपने को गाड़ी से मतलब है, इस गाड़ी को बैनी जो है आराम से रिपेयर कर देगा। तो फटाफट से मैं इसको $5 million की पेमेंट करता हूँ और हम लोग जल्दी से यहाँ से इस गाड़ी को लोड करवा कर निकल लेते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इस बंदे को $5 million की कैश पेमेंट कर दी और ये जो गाड़ी अभी अपनी हो चुकी है और मेरे पास अभी बचे हैं $10 million। बस यार एक ना छोटी सी टेंशन है कि ये जो गाड़ी है ना इसको बैनी जो है रिपेयर कर दे, अगर वो इस गाड़ी को रिपेयर नहीं कर पाया ना तो फिर अपना $5 million का नुकसान हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर ये जो गाड़ी है ना पहली बात तो ना चल ही नहीं रही है। अब इसके ना चलने के या फिर इसके टायर ना घूमने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि या तो इस गाड़ी का पेट्रोल ही नहीं है, इस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसका जो गाड़ी का टायर है ना पूरा जाम है। अभी खैर छोड़ो, इस गाड़ी को अगर मैं ऐसे ले जाऊंगा ना तो अगले साल ही पहुंचूंगा। एक काम करता हूं, जल्दी से ना एक टो ट्रक लेकर आता हूं और इस गाड़ी को ना मैं जल्दी से यहां से टो करके निकलवा लेता हूं। अब टो ट्रक जो है ना मुझे एकदम सामने से ही मिल जाएगा, ऐसे नॉर्मली घूमते रहते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में, बाकी यार यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा वो चीज़ मुझे नहीं मालूम। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ पर देख कर आता है टो ट्रक मिलता है या फिर नहीं मिलता। अभी फटाफट से मैं अपनी फरारी में बैठता हूँ और टो ट्रक को लेकर आता हूँ। मेरे हिसाब से ना कंस्ट्रक्शन एरिया में वो बहुत ज़्यादा आराम से मिल जाएगा। तो कहीं सर अपनी जो फरारी है वो $3 million की और इसकी लुक भी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये चलती भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आप लोग खुद सोचो जो कौन इसे अगेरा वो $10 million की है, उसका प्राइस इसके 3 गुना है। और यहाँ पर मेरे को चेक करना है कि रिपेयर होने के बाद वो जो गाड़ी है कैसे दिखने वाली है। अब वैसे मैंने रिपेयर होकर देख तो रखी है, जो पूरा का पूरा नया मॉडल होता है मैंने देख रखा है, बट यार जब उसे बैनी मॉडिफाई करेगा उसके बाद वो कैसे दिखने वाली है वो चीज़ मुझे देखनी है, और उसका साउंड वगैरह कैसे आने वाला है वो चीज़ भी। तो अभी ना फटाफट से मैं निकल लेता हूँ सीधा फैक्ट्री वाले एरिया में, जहाँ पर मतलब फैक्ट्री वगैरह होती है ना, वहाँ पर टो ट्रक बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। तो अभी ना फटाफट से उस एरिया में चलते हैं। सामने की तरफ में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तो है, वहाँ पर मैं चलकर देखता हूँ, वहाँ पर शायद से मुझे टो ट्रक मिल जाएगा, वरना यार मुझे गाँव में जाना पड़ेगा। अब यार देखो मैंने हमेशा महंगी महंगी कार खरीदते रहता हूँ, लेकिन इस टाइप की ना सर्विसिंग व्हीकल भी होनी चाहिए, टो ट्रक हो गया, ट्रेलर हो गया, ये सब मेरे को खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखो भाई साहब काफ़ी सारे टो ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन यार एक ना दिक्कत की बात है, सारे के सारे छोटे वाले टो ट्रक हैं, मुझे यार एक बड़ा वाला टो ट्रक चाहिए था। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना एक काम करता हूँ, मैं अपनी फरारी ना पीछे की तरफ में पहले पार्क कर देता हूँ, ताकि ना यहाँ से कोई उठा कर ना ले जाए या फिर अगर बीच रास्ते में रहेगी तो कोई टक्कर वक्कर ना मार दे। इसलिए फटाफट से अपनी फरारी जो है मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ, बाद में आकर मैं इसे आराम से ले जाऊँगा। और अभी जो मेरा बैग है ना मतलब इसे ब्रीफकेस जो है इसको भी मुझे गाड़ी में रख देना चाहिए था। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर इसे साथ ही लेकर चल लेते हैं, इसको मैं सीधा अपने घर पर ले जाकर रख दूंगा ताकि ये मेरे से खोए भी ना। तो भी फटाफट से यहाँ पर मैं टो ट्रक में बैठ तो गया हूँ, यार सच्ची में मुझे लग नहीं रहा ये वाला जो टो ट्रक है ना उस गाड़ी को खींच पाएगा। मतलब कि ना दो टाइप के टो ट्रक आते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा वाला होता है, वो जो भारी भारी गाड़ियाँ होती है ना उनको खींच लेता है। है तो फिलहाल कौन सा एक अगेरा छोटी गाड़ी, लेकिन यार मेरे हिसाब से उस गाड़ी का ना वेट बहुत ज़्यादा है, तो बस मुझे ना पक्का विश्वास नहीं हो रहा कि ये छोटा वाला जो टो ट्रक है उसे खींच पाएगा या फिर नहीं। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, खींचेगा तो खींचेगा, वरना दूसरा वाला लेकर आएंगे। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां से मैंने कौन इसे अगेरा कार बाय करी है। अभी ना जल्दी से एक काम करता हूं, मैं अपने ट्रक को अंदर ले जाऊं या फिर ना ले जाऊं ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। तो एक काम करता हूं ना, अपने ट्रक को यहां पर मैं एकदम आराम से अंदर ले जाता हूं। बाकी यार सच्ची में जो मार्केट है ना इसके अंदर इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ है, पूछो मत। मेरे को ना अपने ट्रक को जो है पूरा पूरा मोड़ना पड़ेगा, मतलब एक टाइप से उल्टा
उल्टा करके ले जाऊंगा तभी तो इसको इसका हुक लगा के टो करूंगा। तो इसलिए एकदम आराम से अपना मैंने ट्रक यहाँ पर मोड़ लिया है और जितने भी बंदे थे यहाँ के कहाँ चले गए सारे के सारे, मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अभी फटाफट यहाँ पर एकदम ट्रक को पीछे पीछे लेकर चलते हैं धीरे धीरे। तो ओके गाइस यार, अभी धीरे धीरे एकदम आराम आराम से मैं लेकर जाने वाला हूँ और यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच चुके और इतना ज्यादा कचरा मचा रखा है भाई इन लोगों ने, पूछो मत। यहाँ पर अगर थोड़ी साफ सफाई होती ना अभी तक मैं अपनी गाड़ी को भी यहाँ से लेकर निकल गया होता। अब यार देखो, अपने ट्रक को मैं यहाँ तक तो लेकर आ चुका हूँ, बस ना मुझे इसे अपनी गाड़ी से अटैच करना है। पहले ना एकदम बढ़िया तरीके से मैं इसे लगा लूँ ताकि एकदम ना बढ़िया तरीके से जुड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में अपनी गाड़ी जो है निकल जाए। तो अभी फटाफट से यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी ले आऊँ और इसके हुक को जो है मैं यहाँ पर से नीचे करता हूँ एक बार आराम से। और ये देखो भाई, गाड़ी एकदम अटैच हो गई। ओ भाई साहब, कितनी तेज आई है गाड़ी। अभी ना गाड़ी को मैं थोड़ा सा हवा में उठा लेता हूँ और ना फटाफट यहाँ से लेकर निकल लेते हैं। भाई मुझे लग रहा था कि ये वाला जो ट्रक है इस गाड़ी को नहीं खींच पाएगा, भाई साहब ये तो इसको उड़ा रहा है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा गजब है। अभी फटाफट ना इस ट्रक से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर निकल लेता हूँ। बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है अपनी गाड़ी, वैसे कचड़ा हो रखी है लेकिन फिर भी लग रहा है कि हाँ भाई कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी सुपर कार जा रही हो। अभी ना फटाफट उतरी, मैंने तो गेट ही तोड़ दिया, अभी निकल लो यहाँ से भाई साहब। जल्दबाजी में ना मैंने इनका गेट ही तोड़ दिया है। अभी ना जल्दी से मैं इस कार को लेकर निकल लेता हूँ सीधा अपने शोरूम के लिए, वहाँ पर मैं इस गाड़ी को बैनी को ले जाकर दे दूंगा और बैनी देखते हैं इसे आज ही आज में अगर रिपेयर कर देगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वरना अपनी फिर जो कार की डिलीवरी है ना वो हमें देर से देनी पड़ेगी और फिर जो बंदा है वैसे नाराज तो नहीं होगा, अपना दोस्त है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने एकदम टाइम से डिलीवरी करेंगे। हमने बोल रखा भाई 1 से 2 दिन के अंदर कार की डिलीवरी हो जाएगी तो हो जाएगी। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल टो ट्रक से मैं अपनी गाड़ी को टो करता हूं, अपने शोरूम के पास तो लेकर आ चुका हूं, बस ना मुझे अंदर एंटर करवाना है पहले पार्किंग में, फिर अपने शोरूम में ले जाकर इस गाड़ी को बैनी को दे दूंगा मैं रिपेयर करने के लिए। अब यार देखो, पहले तो इस गाड़ी का ना टायर घूम नहीं रहा था और अब इस गाड़ी का टायर जो है ना बहुत ज्यादा तेज घूम रहा है, मतलब कि यार गाड़ी में कोई ना कोई खराबी है। अगर देखो गाड़ी का टायर जब घूम रहा था तो अपनी गाड़ी वहीं पर चल जानी चाहिए थी, लेकिन यार पता नहीं क्या सीन, अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हुई। तो चलो गाइस यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, बैनी पे मेरे को पूरा विश्वास है, वो इस गाड़ी को जल्दी से रिपेयर कर देगा। तो बिना फटाफट से यहाँ पर मैं अपने टो ट्रक को पार्क कर लेता हूँ और इस वाले ट्रक को ना मैं संभाल के रखूंगा यार, जरूरत पड़ते रहती है, अगर मान लो बाय चांस कल को नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को टो ट्रक से डीअटैच कर लिया है, अभी ना जल्दी से मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ और इसको ना लेकर चलता हूँ अपने शोरूम के अंदर। लेकिन यार गाड़ी को अपने ना शोरूम में ले जाने से पहले ना मुझे इसको लिफ्ट में ले जाना पड़ेगा और यार जैसा कि मैंने आपको कहा था यार, गाड़ी की जो स्पीड है ना वो एकदम ही खत्म हो रखी है, मतलब यार ये देखो गाड़ी के जो टायर है बिल्कुल घूमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं अभी यहाँ पर। ओ भाई साहब, पहले से ज्यादा स्पीड आ गई भाई, ये देखो जब मैंने शॉप पर चलाई थी ना बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी गाड़ी जो है ना थोड़ी बहुत अपना चलने लग गई, शायद से मैं इसे टो ट्रक से घसीटता हुआ लाया ना इसलिए इसके टायर घूमने लग गए। और अभी ना फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने शोरूम के अंदर। तो ओके गाइस यार, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लिफ्ट से लेकर नीचे तो आ चुका हूँ, लेकिन ना मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पीछे वाला टायर कैसे पंचर हो गया और ये जो ट्रंक है ना ये कैसे खुल गया, मेरे को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है। तो अभी फटाफट से मैंने इसे बंद कर दिया और ये वापस खुलेगा, रुक जाओ, इसे ना ढंग से बंद करना पड़ेगा, अब ये लॉक हो गया पूरा का पूरा। अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर ना भाई साहब जैसे तैसे करके ये जो गाड़ी है ना पहले से तो थोड़ा बहुत ठीक चल रही है, एकदम आराम आराम से मैं इसे बैनी के पास लेकर चलता हूँ। भाई साहब बैनी ने वो जो लैम्बोर्गिनी थी ना वो पूरी की पूरी रिपेयर कर दिया है और भाई साहब देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई साहब सच्ची में। अभी ना बैनी को मैं वाली गाड़ी भी रिपेयर करने के लिए बोल देता हूँ और बात कर लेता हूँ पहले। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मेरी बैनी से बात हो गई है इस कार को लेकर और बैनी कह रहा है कि ना इस कार को रिपेयर करने के लिए काफी सारे पार्ट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है जो कि मिलना शायद से मुश्किल है और वो जो पार्ट्स है ना वो सारे के सारे इन लोग के शोरूम में ही मिलेंगे। लेकिन यार बैनी कह रहा है कि वो दूसरे पार्ट्स लगाकर आज की डेट में इस गाड़ी को जल्दी जल्दी रिपेयर कर देगा और पहले से भी तगड़ा कर देगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सामने की तरफ में ये है लैम्बोर्गिनी अवेंटेड और अब बैनी ने क्या करा था ना, क्रैश कार वाली खरीद कर लाया था, मतलब क्रैश व्हीकल वहीं से, और यहाँ पर इसने इस गाड़ी को पूरा पूरा मॉडिफाई कर दिया और देख लो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर ना काम करता हूँ, इसकी ना मैं एक टेस्ट ड्राइव लेकर आता हूँ, मतलब कि ना मैं काम करता हूँ, मेरे पास ना कोई गाड़ी है नहीं तो थोड़े टाइम के लिए मैं यही कार यूज कर लेता हूँ, बैनी को हम लोग बाद में पैसे दे देंगे इस गाड़ी के, और वैसे भी अपने पास अभी $10 मिलियन है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर गाड़ी की लुक देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया है, तो गाइस यार कमेंट में जाकर जरूर बताना आपको ये वाली जो गाड़ी है कैसी लगी और मुझे वाली गाड़ी खरीद लेनी चाहिए या फिर नहीं खरीद लेनी चाहिए, मतलब कि मेरे को ना बैनी को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो अपने पैसों की खरीद के लाया जो मैंने उसे $5 मिलियन दिए थे उस पैसों की। अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ और भाई सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है और थोड़ा सा शायद से स्क्रैच आ गया होगा उस वाली गाड़ी पे, इस पे नहीं। तो यहाँ पर भी फटाफट से मैं इसे आगे निकालता हूँ और एक बार ही ना मैं इसका हॉर्न बजाकर देखता हूँ। ये देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है इसका हॉर्न, मतलब ना यहाँ पर बैनी ने इसके अंदर लिबर्टी सिटी लूप लगाया है। तो अभी ना फटाफट यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लेता हूँ।
तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लिफ्ट से लेकर ऊपर तो आ गया, और यहाँ पर ना मुझे अभी लेसर का भी कॉल आ गया। उसने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया बहुत ज़्यादा जल्दी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अपनी जो लैम्बोर्गिनी अवेंटेड और है ना यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो लग रही है। लेकिन गाइस यार इस गाड़ी में ना एक छोटी सी मेरे को कमी लग रही है अभी यार। देखो बैनी ने ना ढंग से इसे मॉडिफाई करा नहीं है, मतलब गाड़ी तो पूरी बढ़िया कर दी लेकिन गाड़ी के जो विंग्स है ना यार वो काम नहीं कर रहे। अब पता नहीं यार उसने क्या कमी करी है, मतलब कि ना ये जो साइड में इसके पीछे निकले हुए ना विंग्स ये भी काम करते एकदम ऐसे फ्लाई ऐसे करते हैं, जितनी ज़्यादा रेस दोगे ना उतने ज्यादा बढ़िया तरीके से वो दिखते हैं। लेकिन गाइस यार अभी वो काम नहीं कर रहे। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से चलकर देखते हैं लेस्टर ने मेरे को वहां पर किस लिए मिलने के लिए बुलाया। अगर डायमंड्स बिक गए होंगे ना तो फिर अपने बहुत ज्यादा मजे हैं, मतलब कि यार मेरे को $200 मिलियन मिल जाएंगे और फिर हम लोग अपना मनचाहा घर मनचाही गाड़ी सब कुछ खरीद सकते हैं। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया था। अब यार देखो जब भी मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी होती है तो लेस्टर मेरे को इतनी अजीबोगरीब जगह पर मिलने के लिए क्यों बुलाता है, मतलब यार मेरे पास एकदम न्यू लैम्बोर्गिनी अवेंटेड हो रहा है और मेरे को उसे एकदम पहाड़ों पे चढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी एक सुपर कार से। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी यार मैं दूसरी गाड़ी तो लेने जाने नहीं वाला, अभी फटाफट ना यहाँ पर लैम्बोर्गिनी से ही निकल लेते हैं। और यार इस जगह पर मैं शायद से पहले कभी नहीं आया हूँ, नहीं 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 एक बार ही मैं आया था, मेरा ना हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हो गया था और मैं कहीं पानी में जाकर गिर गया था तो मुझे ये जगह थोड़ी बहुत याद है। बाकी यार इस जगह पर ना मेरे को आज तक कोई काम ज़्यादा पड़ा नहीं है और ये देखो हाँ इसी पानी के अंदर मैं गिरा था। तो भी ना फटाफट हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से ना मुझे राइट लेना है। और यार इतनी अजीबोगरीब जगह लेस्टर को कैसे पता रहती है भाई, मतलब कि सच्ची में अगर उसका पार्टनर जो भी हो उसका ना खुद का भी दिमाग बहुत ज़्यादा ही चलता है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर राइट में देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पर गंदा पानी बह रहा है और यहाँ पर ना राइट में कुछ अजीबोगरीब से जानवर भी घूम रहे हैं। लायन नहीं है, लायन माउंटेन पे ही मिलते हैं इस गेम में। अभी फटाफट हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यहाँ पर लेस्टर वगैरह कहाँ पर है भाई, उसने मेरे को इसी जगह पर मिलने को बुलाया था और देखो वो खड़े, तो यहीं पर खड़े हुए हैं लेस्टर और वो जो बंदा था लेस्टर का पार्टनर। तो भी एक काम करता हूँ ना, मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को पहले ना साइड में पार्क कर देता हूँ ताकि कोई चुरा कर ना ले जाए, बच गया भाई अभी तो, वरना बहुत ही बुरी तरह डेंट आता। तो फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर से पार्क कर देता हूँ और अभी जल्दी चलते हैं हम लोग यहाँ पर लेस्टर से बात करने और देखते हैं क्या सीन है, उसने मेरे को यहाँ पर किस लिए बुलाया, जल्दी से उससे बात करके पता चलेगा। तो गाइस यार अभी ना मेरी यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई है और लेस्टर ने यार पूरा का पूरा प्लान जो है बना लिया इतनी ज़्यादा जल्दी। तो आपको पता होगा लास्ट टाइम हम लोग गए थे सीक्रेट बेस पर इस बंदे के, वहाँ पर ना यार इसका जो लैपटॉप है जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस वालों के हाथ लग गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए लेस्टर ने मुझे बोला कि ना अभी तुम जल्दी से जाओ उस वाले बेस पर, मैंने छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर ना गन्स लगी हुई है तो तुम्हें जाना है और वहां पर जितने भी मिलिट्री वाले बाहर की तरफ में खड़े हैं उनको इस गन्स से मार देना है और उसके बाद हेलीकॉप्टर को लैंड करवाकर अंदर अटैक करना है और उसका लैपटॉप जो है लेकर आना है। तो इसीलिए लेस्टर ने मेरे साथ इसको भी भेजा है और यहां पर ये वाला हेलीकॉप्टर हमें लेस्टर ने दिया। और ये देखो भाई यहां पर ना देखो कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से गन्स भी लगी हुई है और मेरे हिसाब से ना थोड़ी बहुत मिसाइल या फिर थोड़े बहुत रॉकेट लॉन्चर टाइप भी कुछ लगे हुए हैं। तो चलो यार बहुत बढ़िया सीन है, अभी फटाफट हम लोग यहां पर हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जल्दी से निकल लेते हैं उस जगह के लिए। तो भाई जल्दी से तू भी आ जा, बैठ जा पीछे की तरफ बैठेगा क्या, अबे आगे मत आ पीछे बैठ जा, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी लेस्टर हमारे साथ नहीं जाने वाला, हम दोनों को खुद वहां पर जाना पड़ेगा और अटैक करना पड़ेगा। लेस्टर का काम होता है मेन प्लान बनाना और पूरा का पूरा आइडिया देना कि किस तरीके से अटैक करना है किस तरीके से नहीं करना। और यार देखो अगर हम लोग बात करें ना सेफ्टी की तो इस बार ना सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम ना हमेशा सेफ्टी पर भी ध्यान देते हैं कि अगर इस चीज में हम फेल हो जाते हैं तो वहां से बच के कैसे आएंगे। लेकिन गाइस यार इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर बाय चांस उन्होंने हेलीकॉप्टर पर गोली मारी अपना हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो अपने को बचने की कोई चांस है ही नहीं। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं सीक्रेट बेस पर पहुंच चुका हूं जहां पर मिलिट्री वालों ने कब्जा कर रखा है और यहीं पर से इस बंदे का मेरे को लैपटॉप भी लेकर आना है और सारा का सारा इसका गोल्ड सारा का सारा पैसा सब कुछ जो है यहीं पर धरा हुआ है। और अगर हम लोग एक बार ही मिलिट्री वालों को मार के इस बेस पे कब्जा कर लेते हैं वापस से तो फिर जो जितना भी पैसा इस बंदे के पास है जितना भी गोल्ड है उसमें से 50% हमारा हो जाएगा। खैर छोड़ो फालतू की बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी ना यहां पर मैं पता क्या सोच रहा हूं कि अटैक जो ना इस तरफ से कर दिया जाए। अभी ना नीचे की तरफ में काफी सारे मिलिट्री वाले खड़े हैं लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, 3, 2, 1 और यहां पर तुम्हारे भाई ने अटैक कर दिया शुरू, गोलियां मारना इन लोग के मैंने शुरू कर दिया। और यहां पर ये देखो नीचे की तरफ मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ा सा वो पड़ा हुआ था और यहां पर अपना हेलीकॉप्टर भाई आराम से उतरी गया अपना हेलीकॉप्टर मेरे को लग रहा है। यहां पर बस ना एक बार वापस से उठ जाए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई, अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। मिलिट्री वालों के बंदे जो है ना बहुत सारे हैं और गोलियां भी बहुत बुरी तरह चला रहे हैं। लेकिन गाइस यार मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, जहां पर एयरलाइन है ना वहां पर एक बहुत ही बड़े ना टैंक पड़े हुए हैं, मतलब कि फ्यूल वाले,
और अगर मैं उन टैंक पर गोलियां मारूंगा तो मिलिट्री वालों के सामने वो टैंक फूटेंगे और वो लोग जो है सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। तो भी ना फटाफट मैं दोबारा से गोलियां चलाते हुए आगे की तरफ में चल लेता हूं। और गाइस यार सच्ची में बहुत ज्यादा ना दिक्कत सी हो रही है। और ये देखो यहां पर ना मैंने भी दोबारा से गोलियां चलाना शुरू कर दिया और एक टैंक अभी ना और फूट गया है। अभी ना अपने हेलीकॉप्टर को दोबारा से एकदम आराम आराम से मैं मोड़ता हूं और फिर से हम लोग आगे की तरफ में लेकर चलेंगे। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ये तो अपना फर्स्ट ट्राई था और यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा। यहां पर जितने भी मिलिट्री वाले सामने की तरफ में आप एयरलाइन पर देख पा रहे हो ना, सारे के सारे तुम्हारे भाई ने एक ही बार में डाउन कर दिया है। और मेरे हिसाब से ना अभी मेरे को अपना हेलीकॉप्टर भी यहां से ना उतार लेना चाहिए, एकदम आराम से लैंडिंग करवाएंगे ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी जल्दी से मैं अपना हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड करवाता हूं। ओ भाई यहां पर ना इन्होंने हेलीकॉप्टर में गोलियां मार दिया है। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है यहां पर लैंड करवा दिया है। अभी ना मेरे को बस एकदम चुपचाप से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। भाई सामने की तरफ में ना बहुत सारे मिलिट्री वाले हैं और यहां पर जब मैंने हेलीकॉप्टर से फायर करा था ना तो बहुत सारे बंदे ऑलरेडी यहां पर मैं मार चुका हूं। बस ना सामने की तरफ मैं चलकर देखते हैं अभी कितने बंदे आ गए। ओ भाई साहब यहां पर तो बहुत सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको मारूंगा बहुत ही बुरी तरह। और यहां पर जो मेरे पीछे पार्टनर आया ना भाई, मेरा जो लेस्टर के साथ का बंदा है वो भी बहुत तगड़ा है। और यहां पर सामने की तरफ में मैंने एक टैंक फोड़ दिया है और एक टैंक ना और है, उसको भी फोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इधर की तरफ में भी बहुत बंदे हैं और यहां पर गाइस यार दो दो टैंक है। और अगर ये टैंक में मैं गोली मारूंगा ना तो ये देखो आग लग गई और ये टैंक अभी फूटने वाले हैं, बहुत तेज फूटते हैं ये देखो। अच्छा हुआ कि मैं दूर हो गया, अगर मैं पास में रहता ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। और यहां पर अभी बहुत सारे बंदे हैं तो सबको मारूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी ऐसे की तैसे निकलो यहां से। अभी ना अपना गाइस देसी कट्टा निकालते हैं ताकि इनको भी तो पता चले कि माइकल इनके बेस में आया हुआ है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना यहां पर दो दो तीन तीन बंदे आ चुके हैं। एक और मारा मैंने, अभी ये जो है ना राइट के बंदे मार रहा है, ये भी सामने के मारने लग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ना गाइस यार बंदे ही ज्यादातर सामने बचे हैं और राइट से भी कुछ बंदे ना फ्लैंक कर कर आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाओ बेटा दिमाग लगा लो, आज तुम्हारा मैं दिमाग ही खराब कर दूंगा। ओ भाई ये क्या फूटा पीछे, लग रहा है कोई बहुत ही खतरनाक बॉम्ब फूटा। तो इन सबको मारना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर ना मैंने एक बंदे को मार के ना स्नाइपर ले लिया और वो देखो स्नाइपर पे एक बंदा आरपीजी लेकर बैठा हुआ है और इधर निशाना लगा के गोली मार लेता है, इससे बढ़िया ज्यादा बढ़िया रहता तेरे लिए। तो गाइस यार देखो यहां पर ना जितने भी ये टैंक पड़े हुए ना इनके ऊपर अगर मैं गोली मारूंगा तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं बहुत ही बुरी तरह। और ये देखना अभी ये कैसे ब्लास्ट होगा, 3, 2, 1 और अभी ये ब्लास्ट होने वाला बहुत खतरनाक। ये है देखो कुछ इस टाइप से मैंने ऐसे ब्लास्ट कर करके ना बहुत सारे बंदे मार दिए हैं। और अभी ना सामने की तरफ में काफी सारे बंदे और बचे हैं, यहां पर तुम्हारी ऐसी की तैसी किसी आरपीजी वाले बंदे को ना मेरे को मारना पड़ेगा ताकि मेरे को उसके पास से आरपीजी मिल जाए। और अगर एक बारी मुझे आरपीजी मिल गई ना तो फिर बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अभी ना मैं जल्दी से गाड़ी में बैठकर बंदे मारने वाला हूं और तू भी आ जा गाड़ी में, गाड़ी में बैठकर ना हमें थोड़ा सा कवर मिल जाएगा। वैसे यार मेरे पे देसी कट्टा है भाई, देसी कट्टा चलाएंगे, गाड़ी वाड़ी भाड़ में जाए। अभी ना देसी कट्टा चलाते हुए मैं आगे की तरफ में निकलता हूँ। भाई पीछे की तरफ में भी ना अभी बहुत सारे बंदे मेरे हिसाब से बचे हुए हैं, तो भी ना बिल्कुल एकदम धीरे धीरे मेरे को आगे बढ़ना है। और देखो कोई तो गोली मार रहा है, वो देखो सामने से गोली मार रहा है, इसके एकदम आराम से हेडशॉट मारूंगा। बच गया यार वो, बच गया, पता है बहुत ही आसानी से बच गया वो। तो कि गाइस यार एक बंदा ना इसके अंदर बैठा हुआ, ये देखो ये रहा, इसको गोली इतनी खतरनाक मारूंगा ना, चल बेटा पहली फुर्सत में निकल। यहां पर जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना उनको मारना फिर भी आसान होता है, लेकिन इन बंदों को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फटाफट से ये है इसका सीक्रेट बेस, इसके अंदर ना गाइस यार देखो कितने तगड़े तगड़े वेपन्स पड़े हैं। और सामने की तरफ में भी कुछ बंदे, और तू निकल बेटा। और इधर से एक बंदा भाग कर आया, भाई कितने बंदे अंदर तेरी ऐसे की जैसी, दोबारा मत आइयो, मैंने बोला था ना भाई साहब रुक जाओ, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी मैं कोई दिक्कत की बात नहीं बहुत ही बुरी तरह मारूंगा इनको, तेरी ऐसे की जैसी निकल यहां से, अपना देसी कट्टा जिंदाबाद। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल जो अपना पार्टनर है वो भी भाग कर अंदर आ गया और यहां पर ना अभी आगे की तरफ में चलना ही पड़ेगा। भाई बहुत सारे बंदे बचे हैं यहां पर, ऑलरेडी वैसे मैंने इतने सारे बंदे मार दिए लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई अगर यहां पर हमने हल्का सा भी निशाना चूका ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और यहां पर तुम्हारा भाई फुल स्कोप जूम करके मारेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पर ये बोरी वोरी इतनी क्या कर रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई ये देखो ना नीचे पानी, और मेरे को लग रहा है ना ये कोई सीक्रेट जगह है, फिलहाल इसको तो पता होगी क्योंकि इसी का बेस है। अभी ना थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं, यहां पर ना सामने की तरफ में भी बहुत सारे बंदे जिंदा है, एक बार चेक कर लेता हूं, अंदर तो कोई नहीं है ना। यहां पर देख लो न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसके पास पड़े हुए हैं। चलो भाई जैसा बिग माफिया का बेस था ना समझ लो वैसा ही बेस कुछ अभी हमारा भी होने वाला। और ये रे बंदे यहां पर तुम्हारी भैंस की टांग, देसी कट्टा मैं बहुत ही बुरी तरह मारता हूं आजकल बंदों को, निकलो यहां से पहली फुर्सत में। भाई साहब यहां पर भी सबका ही भूत बना दिया मैंने लगभग, और सामने वाले रूम में भी बंदे बचे हुए हैं। और यार सारा पैसा कहां पर है मेरे को वो नहीं समझ आ रहा, इधर कोई बचा है कि नहीं बचा पहले बता दो भाई, बाकी मैं बाद में देख लूंगा। अभी ना फटाफट हम लोग आगे चलते हैं। ओ भाई साहब यहां पर इतना सारा गोल्ड। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7वीं तो फिलहाल खाली है। यहां पर ना 6 ट्रॉली ऐसी पड़ी है जिसके अंदर गोल्ड बिल्कुल भरा पड़ा है। अब यहां पर ना इसके अंदर तो कुछ ज्यादा गोल्ड है, वो 3 तो फिर भी थोड़ी बहुत खाली है भाई सच्ची में। और यहां पर जो इसका लैपटॉप है ना इसके अंदर है, तो ये वाला जो गेट है ना मेरे हिसाब से खुल नहीं रहा है, तो हमें ना इसके अंदर पहले बॉम्ब लगाना पड़ेगा। लेकिन यार मेरे पास बॉम्ब भी तो नहीं है, अभी क्या जुगाड़ होगा इसको
खोलने का। वैसे यार इसको तो पता ही होगा ना पासवर्ड, तो जल्दी से गेट खोल पे। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना इसने ये वाला जो गेट है खोल दिया है। तो यहाँ पर ना एकदम चुपचाप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप तो यहाँ पर पड़ा हुआ और यहाँ पर कोई भी सोल्जर नहीं है, तो जल्दी से आज अपना लैपटॉप ले ले। तो चलो गाइस यार फाइनली हमने इसको ये वाला जो बेस है वो ऑक्यूपाई करवा दिया है। अब यहाँ पर ये जो गोल्ड है इसमें से 50% मेरा होने वाला है, बाकी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये इतना बड़ा गोल्ड का पता नहीं क्या पड़ा हुआ भाई, सच्ची में ये तो पूरा प्योर गोल्ड का पत्थर है। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें यही मिल जाए तो ये भी बहुत है। तो चलो भाई यहाँ पर ना अभी फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं अपने घर के लिए, बाकी यहाँ का जो काम है ये अपना निपटाते रहेगा। मतलब कि ना अभी इसको भी ये वाली जगह जो है छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मिलिट्री वाले दोबारा से आ जाएं। तो अभी फटाफट ना यहाँ से सबसे पहले मैं निकल लेता हूँ। एक तो ये जो जगह है ना बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब सी है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और यार यहाँ पर ना अभी मेरे हिसाब से जितने भी मिलिट्री वाले थे सबको मैंने मार दिया भाई। देख रहे हो कितनी लाशें यहाँ पर बिछी पड़ी है, बुरा हाल कर दिया बंदों का यहाँ पर हमने मार मार के। और सामने की तरफ में मेरा अभी हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है, तो जल्दी से मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठ कर यहाँ से निकल लेता हूँ भाई। यार सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट थी वाली। अभी फिलहाल ना यहाँ पर प्राइवेट जेट भी पड़े हुए हैं, लेकिन देख रहे हो इसके अंदर भी आग लगी पड़ी है। और ये अपने हेलीकॉप्टर के अंदर देख लो कितना ज्यादा खून लगा हुआ है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी फटाफट से मैं अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता हूँ और अभी मैं वापस से निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि अभी ना मुझे वाली कार जो है जल्दी से जल्दी डिलीवर कर भी आनी है। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर अच्छी बात तो यह है कि जो मेरा हेलीकॉप्टर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से उड़ चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वापस उड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गोलियां चली थी और मुझे लग रहा था कि ये क्रैश हो सकता है या फिर इस पर गोली पड़ गई होगी तो ये खराब हो जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर पूरा ओके है। तो अभी फटाफट से हम लोग लॉस सैंटोस के लिए निकल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपना हेलीकॉप्टर भगाते भगाते वापस से लॉस सैंटोस आ चुका हूं। और मैंने ना बैनी को पहले ही फोन करके बोल दिया था कि अगर गाड़ी रिपेयर हो जाए तो जल्दी से ना उस गाड़ी के लिए एक ट्रक मंगवा लियो, जिसके अंदर हम वो गाड़ी लोड कर उस बंदे को डिलीवर करने जाएंगे। तो बैनी का मुझे फोन आ गया है, बैनी ने बोल दिया जल्दी से आ जाओ शोरूम पर। और वैसे भी मैं पहुंच ही चुका हूं, सामने ही अपना जो बिल्डिंग है उसी के अंदर अपना बेसमेंट में शोरूम है। तो जल्दी से चलते हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है ना भाई, मैं बिल्डिंग को देखकर पता नहीं कैसे कंट्रोल करता हूं कि पूरा पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता हूं। तो अभी ना फटाफट मेरे को ना सामने वाली छत पर जाना है, वहां पर एक हेलीपैड है, वहीं पर अपना हेलीकॉप्टर जो है लैंड मैं करवा दूंगा। एकदम आराम आराम से लेकर चलते हैं, एकदम बिल्कुल प्यार से अपने हेलीकॉप्टर को यहां पर मैं लैंड करवा देता हूं। तो चलो गाइस थोड़ी सी क्रैश लैंडिंग हुई है, लेकिन एक टाइप से लैंडिंग अच्छी हो चुकी है। तो अभी ना फटाफट चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ में यहां से। और यार इस छत से नीचे जाने का रास्ता कहां पर है, रुक जाओ आगे से ही मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो यहां पर देख लो यही वाली बिल्डिंग है जिसके नीचे अपना शोरूम है। सामने की तरफ में बैनी ने ट्रक भी मंगवा लिया है। तो अभी ना जल्दी से मैं चलकर देखता हूं कि गाड़ी जो है कैसी रिपेयर करी है बैनी ने। तो गाइस यार बैनी कह रहा है कि ना गाड़ी में एक ना छोटी सी कमी है, मतलब कि ना गाड़ी कभी भी चलते चलते बंद हो सकती है या फिर कुछ टाइम बाद खराब हो सकती है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आज का ये वाला जो दिन है ना जैसे तैसे करके निकल जाए, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है कि हम लोग ना गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में डिलीवर कर देते हैं। तो अभी ना मैं कुछ भी करके आज की डेट में वो जो गाड़ी उस बंदे को देकर आनी है। तो अभी फटाफट से फिलहाल यहां पर तो मैं पहुंच चुका हूं। अभी ना जल्दी से हम लोग सीढ़ी से बैठकर सीधा मतलब बैठ करनी सीढ़ी से उतरकर हम लोग नीचे आ चुके हैं। और सामने की तरफ में अपना शोरूम है भाई। यार ये जो हेलीकॉप्टर है ना मैंने इसको संभाल के रख लिया, क्योंकि इसके अंदर जो गन्स लगी हुई है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अभी ना जल्दी से सामने अपने शोरूम में चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वो जो गाड़ी है रिपेयर होने के बाद कैसी लग रही है। और अगर बैनी ने रिपेयर करी है तो भाई फिर तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और यहां पर यार अभी मेरे को बहुत ज्यादा अंदर तक पैदल चल के जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया मैं किसी की गाड़ी छीन के चले जाता। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी पैदल ही चल लेते हैं, फालतू बातें बाद में करेंगे। और सामने की तरफ में गाड़ी 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 भाई, बैनी ऊपर नहीं लाया क्या गाड़ी, गाड़ी नीचे ही खड़ी है क्या। ओ तेरी वो देखो सामने की तरफ में वो नजर आ रही गाड़ी, यही है कॉनिसेक अगेरा। और यहां पर एक बार मैं चेक करता हूं गाड़ी देखने में कैसी लग रही है। अभी फिलहाल यहां पर बैनी जो अपना बियर वियर पीने में लगा हुआ है, क्योंकि इसका जो काम है खत्म हो चुका है। और इसको भी मिलने वाले हैं $5 मिलियन। और गाइस यार यहां पर आप लोग देख पा रहे हो गाड़ी कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और बैनी ने ना इसके एग्जॉस्ट भी चेंज कर दिया, गाड़ी का साउंड सुनो। ओ भाई साहब गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो ओके गाइस यार जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अभी जो अपनी कॉनिसेक अगेरा है ना यार कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो आप लोग ने मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जो मैंने आपको पहले लैम्बोर्गिनी दिखाई थी और ये वाली गाड़ी, दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा देखने में बढ़िया लग रही है। फिलहाल देखने में तो लैम्बोर्गिनी भी अच्छी थी, लेकिन यार इस गाड़ी की यार बात ही अलग है। मतलब ना इस गाड़ी का जो साउंड है इसके अंदर जो एग्जॉस्ट लगाया है बैनी ने वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, उससे ना बहुत ज्यादा बेस निकल रहा है। और अगर आप लोग ज्यादा रेस दे के झटके से छोड़ दोगे ना तो फिर क्रैकलिंग निकलेगी। ये मैं गाड़ी लेकर जा कर रहा हूं, मुझे गाड़ी ट्रक में लोड करवानी थी। खैर छोड़ो एक ना छोटा सा मैं राउंड मार कर आता हूं, देख लेता हूं आखिरकार ये वाली जो गाड़ी है कैसी है और मुझे इन फ्यूचर लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अब यार देखो $10 मिलियन की और इतनी ज्यादा आसानी से मिलती भी नहीं है, और एक बंदा बेच रहा था $13 मिलियन की, उससे मैं जाकर ले लूंगा अगर मुझे अच्छी लगी तो। एक छोटा सा राउंड मार कर आते हैं फटाफट से, देखते हैं इसके कंट्रोल्स कैसे हैं। बाकी यार देखो गाड़ी की लुक अच्छी है, साउंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यार कंट्रोल्स मेरे को ना मतलब ये भी ठीक ठाक है बट यार मेरे मतलब के नहीं है। मतलब कि देखो मैं अंतर बताता हूं इसके अंदर है क्या। अगर आपको ये
गाड़ी लेफ्ट मोड़नी है ना तो आपको बहुत ज़्यादा पहले से इसे घुमा के रखना पड़ेगा तब जाकर ये घूमती है। मतलब कि थोड़ा रॉयल कार वाली इसमें थोड़ी फील आ रही है और बाकी लेकिन ये है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सुपर कार। तो बिना ज़्यादा फालतू में इसे ड्राइव नहीं करने वाला, कहीं ऐसा ना हो बाई चांस मैं किसी गाड़ी वाड़ी में ठोक दूँ और उस पर डेंट लग जाए और बैनी का काम और बढ़ जाए, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो जल्दी से अभी इस कार को यहाँ पर मैं ट्रक पर लोड करवा देता हूँ फटाफट से। तो गाइस वैसे अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरा इस गाड़ी को बेचने का बिल्कुल भी अब मन नहीं कर रहा है, लेकिन यार अगर अभी डील साइन करी है उस बंदे से $15 मिलियन ले लिए हैं तो फिर यार ये गाड़ी तो देकर आनी ही पड़ेगी। तो अभी जल्दी से वाली जो गाड़ी है मैंने अंदर लोड करवा दी है और अभी ना फटाफट से वाले ट्रक का जो मतलब पीछे वाला ट्रंक ऐसे भी बंद करते हैं और जल्दी से वाली जो गाड़ी है उस बंदे को यानी बॉस को डिलीवर कर आ जाते हैं। अब पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं भी इस टाइप के कार बाय कर लूँ, तो आपका क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो चलो गाइस अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से गाड़ी डिलीवर करने के लिए निकल लेते हैं। और गाइस मुझे ना इस वाले ट्रक को बहुत ज़्यादा संभाल कर चलाना पड़ेगा और आप लोग भी सोच रहे हो कि ये वाला जो ट्रक है यार ये तो पहले से इतना ज़्यादा बढ़िया है, इसके अंदर गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। तो देखो भाई यहाँ पर तो गाड़ी को कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर उसका घर है ना वो थोड़ा सा मतलब माउंटेन और हिल टाइप वाला एरिया है, तो वहाँ पर जो है ना अगर बाई चांस ट्रक पलट जाता है तो फिर भाई गाड़ी की धज्जियाँ उड़ जाएगी। मतलब यहाँ पर बाहर से तुम कितनी भी गाड़ियाँ ला के ठोक लो अंदर वाली कार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस जगह पर अपना ट्रक पलटता है तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पर इस बंदे को देखो भाई आगे से गाड़ी हटाने को राजी ही नहीं है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना है और ये वाली गाड़ी डिलीवर करनी है। वैसे मतलब जगह दूर नहीं है बट यार ट्रक से जाने में टाइम लगने वाला है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर हम लोग एम करते हैं ओनली 6 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से अगर लाइक का बटन दबा दो। और जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी से अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।